धर्म सुख दुख नित्य जीवो नित्यो है नित्य। आचार्य द्रोण का मैं स्नेह बात कभी न बन सका, पर कृपाचार्य ने सस्नेह शिक्षा देनी प्रारंभ की। महामना भीष्म व विदुर के अतिरिक्त जिन्होंने मेरा साहस बढ़ाया वह थे आर्य सज्जन। आओ वत्स, ये संजय हैं, मेरी अनुपस्थिति में महाराज का सारथी करते हैं। मेरे पुत्र की अश्वों में भी रुचि है। क्यों ना हो सूतराज, आपका ही पुत्र। संजय काका, क्या घोड़ा सतत खड़ा ही रहता है? मैंने दूसरे पशुओं की तरह उसे बैठा हुआ नहीं देखा। जो घोड़ा बैठ गया समझ लो रुग्ण है। अश्व सोता भी है वो भी खड़े खड़े। ये मैंने भी देखा है। अश्वारोहण करोगे? चलिए प्रयास करते हैं। हाँ। मैं गुरु द्रोण को फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मेरा परम मित्र था। अश्वत्थामा छोटी सी अवस्था से ही धर्म, प्रेम, कर्तव्य, पराक्रम आदि विषयों पर बड़े अधिकार से बोलता। मैं अपना समस्त अतिरिक्त समय उसी के साथ चर्चा में बिताता। कर्ण, मैं देख रहा हूं कि जब से तुम हस्तिनापुर आए हो नित्य गंगा की तट पर दिखाई पड़ते हो। हाँ। कहीं गंगा से तुम्हारा जन्मजात संबंध तो नहीं है? पता नहीं, पर गंगा की तट पे अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं गंगा की लहरों में बहा जा रहा हूँ और राधा माता ने आकर मुझे अपने वक्ष से लगा लिया हो। कर, हस्तिनापुर में तुम्हारा मन नहीं लगता क्या? अश्वत्थामा, यहाँ सब कुछ है पर माँ नहीं। नगर का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है कर्ण। यहाँ की शोभा, चहल पहल, एक ही सा जीवन यापन, यहाँ की व्यस्तता मनोरंजक होते हुए भी उकताहट पैदा करती है। परंतु इससे बच भी तो नहीं सकते। उकताहट से बचने के लिए इसके कार्यों में रुचि लो, अन्यथा युधिष्ठिर हो जाओगे। तुम बनना चाहोगे युधिष्ठिर? स्थितियां जो चाहे बना दे। क्या आप अलग देख रही हैं सूर्य की ओर इस तरह? धात्री, राज महेशी बता रही थी कि वो यहां आया है। वो कौन देवी? वही जिसे वर्षों पहले तू और मैं गंगा में बहाए थे। आप कैसे कह सकती हैं कि वो वही है? सुना है उसके कानों में कुंडल और पक्ष में कवच है। हे भगवान, पर अधीरथ उसे यहां क्यों लेकर आया है? पता नहीं, पर राजमहेशी कह रही थी कि अधिरथ ने उसकी शिक्षा के लिए महाराज से अनुमति मांगी है। महाराज ने अनुमति दे दी है? हाँ। यानी अब वो यही रहेगा? देवी, मैं किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो उठी हूं। उसे रोकिए देवी। आपका पहला पुत्र पांडवों और कौरवों में रहे, रक्त रक्त को न पहचाने, असंभव है। उसका हस्तिनापुर में ना रहना ही ठीक है। देवी, मैं क्या कर सकती हूं धात्री? तो आप महाराज से कह सकती हैं? क्या क्या कहूं कि वो मेरा पहला पुत्र है जिसे मैंने अपनी कोख से निकाल फेंका, उसे आप हस्तिनापुर से निकाल फेंकिए? क्यों क्यों दंड भुगते मेरा पुत्र होने का? देवी, हस्तिनापुर के राजप्रसाद में वो पांडवों के साथ बड़ा होगा, तो क्या आप रोक पाएंगे स्वयं को? कम से कम उसे देख तो पाऊंगी।
जो मेरी ममता से वंचित रहा वो मेरी छाया में, तो वो छाया कहीं उसके जीवन का अंधेरा ना हो। देवी तुम मुझे डरा रही है धात्रे, तो जाइए कह दीजिए पितामह से कि अधीरथ का पुत्र मेरा पहला पुत्र है। कह दीजिए पूरी हस्तिनापुर से कि वो आपका पहला पुत्र है। युधिष्ठिर अर्जुन से कह दीजिए कि वो उनका बड़ा भाई है। मैं क्या करूं धात्री, मैं क्या करूं? सही, सभी स्थितियों में सही, क्योंकि सहना सहते रहना ही आपकी नियति होगी। किंतु मैं राजमहिषी गांधारी की तरह आप पर पट्टी नहीं बांध सकती धात्री। कुंती, ये जीवन ऐसा ही है, यहां वीर योद्धा पराक्रम तपस्वी सभी कभी ना कभी आंखों पर पट्टी बांधकर जीते हैं। गांधारी साहसी है, उसने अंधा होना स्वीकार कर लिया है, पर हम नहीं, हम नहीं। इसलिए मेरी बात मान, उसकी छाया से भी दूर रहना, इसी में हम सबकी भलाई है। करण, तुम कहां थे? कितना ढूंढा तुम्हें, किसी को पता ही ना था। चंपा नगर गया था उराज। क्यों, क्या बात थी जो मुझ पामार का स्मरण उठा? फूल स्वयं कहां जानता है कि उसमें मोहगंध छिपी है। कहिए। उस रोज गुरुदेव ने राज शिष्यों की परीक्षा ली थी। बिना बताए आम वृक्ष की फुनगी पर एक भूसा भरा पक्षी टांगा गया था, उसकी बाई आंख को लक्ष्य बनाना था। अच्छा। एक एक को गुरुदेव बुलाते थे, धनुष और बाण देते थे, फिर पूछते थे बता तुझे सामने क्या दिखता है। किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा वृक्ष, जानते हो भीम ने क्या कहा? फिर बारी आई अर्जुन की, पूछा क्या देखता है? बोला मुझे एक पक्षी की आंख दिखाई पड़ रही है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई, कहा लक्ष्य भेद करो। और अर्जुन ने पक्षी की बाई आंख भेद दी, है ना? कर्ण, यदि तुम वहां होते तो अर्जुन की किरकिरी हो जाती, मुझसे तो कह जाते, मैं परीक्षा की तिथि बदलवा देता। नहीं युवराज, कदाचित गुरुदेव मुझे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति ना देती। क्यों? क्योंकि ना ही मैं क्षत्रिय हूं और ना ही राजकुल का। तो क्या हुआ? गुरुदेव की दृष्टि में उसी का महत्व है युवराज। कोई उपाय निकालूंगा, पर तुम लगातार अभ्यास करते रहना, मेरी दृष्टि तुम पर रहेगी। आप दयालु हैं युवराज। शोम, बाहर चल। क्यों? तू चल तो फिर बताता हूं। चल चल। चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। पर इस समय हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैं जो कहता हूं वो करो, आओ। Thank you.
पकड़े यहीं खड़े रहो। भैया डरो नहीं, हाँ थोड़ा ऊपर, हिलाना मत। हे सूर्यदेव, आप जहां कहीं भी हो मुझे आशीर्वाद दो कि जो कार्य अर्जुन नहीं कर सका उसे आपकी कृपा से मैं सिद्ध कर दूं। तुमने अर्जुन को भी परास्त कर दिया, अभिनंदन। युवराज आप इस समय यहाँ? मैंने दूर से किसी को जाते हुए देखा, सोचा जरूर भीम ही होगा, हमें नीचा दिखाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। यहाँ आकर देखा तो तुम शरसंधान कर रहे थे, अंधकार में ऐसा शरसंधान कि पक्षी की दोनों आंखें फोड़ दी। वाह, मुझे तुम पर गर्व है। कृतज्ञ हूं। शोण दुशासन, इस घटना का पता किसी को ना चल पाए। जो आ गया युवराज। चलता हूं। प्रणाम मामा। प्रणाम संजय, आओ एक एक हाथ हो जाए। मामा मैं उससे दूरी रहता हूं। सीख लो मुझसे संजय, घोड़ों के अलावा कभी तुम्हें यह भी राजकुमारों को सिखाना पड़ जाए। उसके लिए तो आप हैं। छोड़ो और बताओ तुम्हारे राजकुमारों की प्रगति कैसी है युद्ध शास्त्र में? मामा अच्छा होता कि आपने प्रश्न आचार्य द्रोण या कृपाचार्य से पूछा होता। पर घोड़े चलाना तो तुम ही सिखाते हो ना? हाँ। कर्ण को भी? हाँ। तब तो निश्चय ही सूत पुत्र कर्ण घोड़े चलाने में बड़ा निपुण होगा। मामा कर्ण मात्र घोड़ों पर ही नहीं संपूर्ण युद्ध कला पर अपना अधिकार रखता है, और हाँ पासों से वो दूर रहता है क्योंकि पासों की खनखन से सूत पुत्र नहीं क्षत्रिय व्याकुल होते हैं। विदुर की संगत का असर तुम पर भी हो रहा है संजय, तो हो जाए कर्ण की परीक्षा एक दिन? अगर परीक्षा की ही बात है तो कर्ण की ही क्यों, हो जाए एक दिन परीक्षा सभी राजकुमारों। देखूंगा देखूंगा किसमें कितना दम है। एक बड़ा आचार्य समझता अपने आप को और एक बड़ा दूरदर्शी। देख लूंगी दोनों को एक दिन। क्या बुड़बुड़ा रहे हैं धात्री? वो द्रोण और जुआरी शकुनी पीछे पड़े रहते हैं कर्ण के, दोनों की गाड़ियां नोच लूंगी एक दिन। सहना सीख धात्री, सहना सीख। मैं जानता था कि मामा शकुनी यदा कदा अश्वत्थामा से भी मेरे बारे में पूछताछ किया करते थे। क्षमा करना कर्ण। क्यों? मैंने अन्यजनों के विषय में बतलाया, तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अश्वत्थामा, शकुनी मामा को केवल कौरव में रुचि है, एक सूत पुत्र कर्ण में नहीं। फिर भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। यही ना कि मेरे कान में कुंडल और शरीर पे कवच और दोनों ही जनजात हैं। उकता क्या हूं ये सुनते सुनते? नहीं, मैं कहता अर्जुन धनुर्विद्या में, दुर्योधन गदा युद्ध में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग चालन में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र चालन में, युधिष्ठिर युद्ध नीति शास्त्र में, और कर्ण इन सब में पारंगत है। आज बहुत ठंड है भैया। अभी तो तुम दुर्योधन के कक्ष में इतना उधम मचा रहे थे कि स्वेद आ गया, फिर भी तुम्हें शीत अनुभव होता है? प्रभु आपका भला करे, कुछ मिल जाए बूढ़े को। बड़ा शीत है, बड़ा शीत है, बड़ा शीत है, बड़ा शीत। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। ओढ़ लो। बसो जियो, दूधो ना हो पोतो फलो। ये क्या करते हो? नया दिखता है ना, राज सैनिक समझेंगे चुरा के लाया है, इसलिए मिट्टी में सान कर पुराना कर दिया।
थोड़ा सा फटा होता तो अच्छा होता। ला दे इधर, तेरे भाग्य में तो ठंड से चिटोरना ही लिखा है। शोम, दान दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता। चल। अब तुम क्या करोगे? तुमने कहा ना अभी, मैंने तो कवच पहन रखा है। क्या हुआ दुशासन, तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? कुछ नहीं, जरा मारपीट हो गई थी। किसके साथ? और किसके साथ होती? भीम के साथ। हाँ क्यों? शस्त्रगार में भीम ने तुम्हारी गदा ले ली। मैंने कहा ये दुर्योधन की गदा है, इसे मत छुओ। फिर कहने लगा इस पर दुर्योधन का नाम खुदा है। मैंने उसे गदा छीनने का प्रयास किया तो वो मारपीट करने लगा। देखें, कुछ ज्यादा नहीं है। है कहाँ वो? वही होगा युद्धशाला में। चलो देखते हैं। क्या बात है युवराज? ये देखो। अरे ये किसकी धृष्टता है? भीम की, उसे पाठ पढ़ाना होगा। पर हुआ क्या? वो दुर्योधन की गदा ले रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझे मारना आरंभ कर दिया। तुमने गुरुदेव से नहीं कहा? गुरुदेव क्या करेंगे, उसने हमसे उद्दंडता की है, हम बदला लेंगे। छोड़िए भी युवराज, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वो नित्य कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, उद्दता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी बहुत हाथापाई तो होती रहती है, उसका क्या बुरा मानना? दो एक मुष्टि प्रहार तो आपने भी किए होंगे। तो छोड़ देता क्या? तो हो तो गया ना, दो दे तो ले। नहीं, बात इतनी साधारण नहीं है, किसी दिन विस्तार से समझाऊंगा, अभी चलो। कहाँ? भीम की मरम्मत करने। आपका आदेश होगा तो चला चलूंगा। तो रहने दो, मैं मित्रों को आदेश नहीं दिया करता। सुनिए तो युवराज, सूत पुत्र होने के कारण मेरे प्रति होने वाला दुर्व्यवहार तो मेरी समझ में आता, पर कौरवों और पांडवों की बचपन से ही शत्रुता मेरे समझ से बाहर थी, खासकर दुर्योधन व भीम की। एक बार तो मैंने सुना कि दुर्योधन ने दुशासन की सहायता से भीम को वन लताओं से बांध सरोवर में डुबो ही दिया। युवराज ये आपने उचित नहीं किया। क्या उचित नहीं किया? भीमराज गंगा के तट पे एक गड्ढे में पाए गए, ईश्वर की कृपा से गड्ढे में अधिक चलना था, अन्यथा प्राणों से हाथों बैठते। अच्छा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि मैंने भीम को डुबोया? मैं कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता, यदि मैंने भीम को डुबोया होता ना तो वो डूब ही जाता, जीवित ना लौटता, समझे? जिसने भी अघनित कार्य किया उसे लज जानी चाहिए, यदि लड़ना हो तो चुनौती देकर सामने आकर लड़ना चाहिए, युद्ध की यही नीति है। पोथियों में पढ़ा है मैंने, युद्ध में विजय पाना ही लक्ष्य है, वही नीति है। और ये कौन सी नीति है कि बिना प्रमाण के ही दोषारोपण करें? तुम बहुत भोले हो कर्ण, जो देखते हो उसी को सत्य मान लेते हो। संसार के गणित में दो और दो मिलकर चार नहीं होते, ध्यान में रहे। अच्छा मिलेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दुर्योधन ऐसा कर सकता है। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया है। परंतु लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं गांधारी? मैं कहना नहीं चाहती थी पर कह देती हूँ। पांडु के वन में जाने से कुरुवंश के उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो गई थी, पर अब स्थितियां बदल गई है। मेरा पुत्र दुर्योधन सम्राट ना बने ऐसी बहुत से लोगों की इच्छा है, और इसलिए वे सब दुर्योधन को अयोग्य उत्तराधिकारी प्रमाणित करने पर तुले हुए हैं। संभवतः तुम ठीक ही कह रहे हो गंधारे। संजय
समय आ गया है कि अब माता गांधारी को अपनी आंखों से पट्टी उतारने को कहें हम। संजय, आर्य, जहां सम्राट अंधा होता है वहां साम्राज्य को चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखे। आर्य, तो सामान्य ज्ञान की बात है। ये माता गांधारी का अपना निर्णय है संजय। कैसा पतिव्रत और कैसा राजधर्म। माता गांधारी का सम्राट के प्रति ही नहीं अपनी प्रजा के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व तो है। कल के राज्यकर्ता इतनी सी आयु में हत्या के षड्यंत्र में लगे हैं और उनके अंधे माता पिता सत्य को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, ये है राजधर्म। ऐसा क्या हुआ संजय? युवराज दुर्योधन ने भीम को जलाशय में डुबाकर मारने का प्रयत्न किया। मैंने भीष्म पितामह से भी कहा था कि वो राज्य के सूत्रों को अपने हाथ में ले ले, पर वो नहीं मानेंगे। आज आपको सावधान कर रहा हूं। अंधे धृतराष्ट्र को यदि शासक बनाने से राजधर्म का उल्लंघन नहीं होता तो विदुर को राज्यकर्ता बनाने से राजधर्म का उल्लंघन कैसे होगा? तुम अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रहे हो संजय। आप ये क्यों नहीं कहते कि दासी पुत्र विदुर और सूत पुत्र संजय को सोचने का भी अधिकार नहीं? अपना मत प्रकट करने का अधिकार तो बहुत दूर।